नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे हाथ के बारे में जो जीवन की पहली अवस्था में जॉब करेंगे और लगभग 40 साल के बाद अपना काम अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले जो देख लेते हैं वो मणिबंध में नीचे यानी करतल के नीचे। देखिए यहाँ पर एक मणिबंध बिल्कुल मोटी होती हुई बीच में यहाँ पर छूट गई है, फिर यहाँ से एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, ये एक और रेखा जो जुड़ रही है उन। तो ये जब होता है तो ऐसे इंसान का जो है स्वास्थ्य जो है कभी कभी बिगड़ सकता है। मतलब इनको पेट की समस्या से लेकर इनके नर्वस सिस्टम में भी काफ़ी सारी समस्याएं पैदा होती है। इनके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना, बहुत ज़्यादा अपच होना, इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। अब नीचे देखिए एक मणिबंध की दूसरी रेखा है वो बिल्कुल साफ है। तो ये जब साफ रेखा मणिबंध में एक बनती है दूसरी रेखा, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ये काफ़ी आज्ञाकारी होता है, ये अपने माता पिता की बात सुनता है और साथ ही साथ काफ़ी संस्कारी भी होता है। ये किसी भी तरह के बुरे प्रभावों से अपने आप को दूर रखता है और साथ ही साथ अपने काम में काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। हाँ, परिस्थिति कभी कभी इनकी ऐसे हो जाती है कि ये इस संसार की समस्याओं के साथ अपने आप को सेट नहीं कर पाते या अपने आप को उसके मुताबिक ढाल नहीं पाते। एक छोटी सी रेखा यहाँ पर बनी है जो कि उनको थोड़ा सा सोशल बनाती है, लेकिन ये इतने भी सोशल नहीं है कि इनको लोग ज़्यादा पहचान सकें। ये काफ़ी सीमित अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, ये काफ़ी सीमित लोगों से अपना रिलेशन बनाते हैं या अपने दोस्ती करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं अपने परिवार में अपने रिलेटिव्स के बीच में काफ़ी सम्मानित और अच्छे नज़रों से देखे जाते हैं। अब आते हैं जीवन रेखा में, देखें जीवन रेखा जो है बिल्कुल आरंभ हो रही है, छोटे 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 क्रॉस के साथ जिसकी रेखाएं बाहर की ओर एक स्पर्श रेखा निकलती हुई आ रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो है जीवन में घर में काफ़ी शांति का माहौल बना रहता है, लोगों को संस्कारी बनाता है, साथ ही साथ अच्छी शिक्षा और अच्छी चेतना का विकास होता है। जीवन रेखा देखिए आगे बढ़ती हुई जा रही है, इस जगह पर एक कर्व लेती हुई सीधा नीचे की ओर आई है और बिल्कुल करतल से नीचे जाकर मणिबंध में जुड़ गई है। तो जीवन रेखा जब साफ रहे और थोड़ी से कर्व लिए हुए रहे तो ये जीवन का एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान जो है अपनी सारी परिस्थितियां जो उनकी रहती है उनके बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है। इन द सेंस अगर वो जॉब कर रहे होते हैं तो वो जॉब छोड़कर अपना बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। मतलब इनकी जो परिस्थिति जीवन के उस पड़ाव के पहले एक और होती है और जीवन के उस पड़ाव के बाद दूसरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दो निशान है, एक ऊपर की ओर उठती हुई मस्तिष्क रेखा की ओर, एक और रेखा निकल रही है मस्तिष्क रेखा की ओर जो कि सूर्य के उंगली पे इशारा करती हुई। तो ऐसी अवस्था में उनको करीब 30 से 32 साल की उम्र में एक अच्छा जॉब दिख रहा है जो कि उनके लाइफ को काफ़ी सेटल करेगा। हालांकि इन्होंने पहले भी काफ़ी सारे जॉब ट्राई किए हैं लेकिन इनका जो जॉब सेटलमेंट वो ठीक से हो नहीं पाया है। इनका लगभग 30 से 31 साल की उम्र में एक बहुत ही अच्छा अवसर आएगा जो उनके लाइफ को चेंज कर देगा। अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा जो है देखिए दोस्तों यहाँ से सीधी निकलती हुई ऊपर की ओर जा रही है, बिल्कुल दो तीन कर्व लिए हुए। तो जब भाग्य रेखा दो तीन कर्व लिए हुई रहती है तो ऐसे इंसान का भाग्य जो होता है जीवन के पहले पड़ाव में मतलब लगभग 15 साल से 30 साल तक के बीच में इंसान को काफ़ी स्ट्रगल कराता है, बहुत नेगेटिविटी दिखाता है और साथ ही साथ इंसान को निराश भी बनाता है। और एक चीज देखिए दोस्तों यहाँ पर दो रेखाएं जो है जो ऊपर की ओर उठती हुई एक बुध की ओर जा रही है और एक सूर्य की ओर
जा रही है जो भाग्य रेखा को दो बार क्रॉस किए हुए है, मतलब काटी हुई है। तो इनका प्राइमरी जो समय है, जीवन का पहला जो पड़ाव है, उसमें इनको काफी संघर्ष करना हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये इंटरव्यू के लिए कहीं गए हों और दरवाजे पर जाके जाते ही उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद हो गया हो। मतलब इनका किस्मत जो है, इनका साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। तो ऐसी अवस्था में घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमेशा खराब समय रहता नहीं है। जिस प्रकार से अच्छा समय नहीं रहता, खराब समय भी नहीं रहता है। तो जीवन के पहले पड़ाव में खराब समय का हो जाना अच्छी बात होती है, क्योंकि जीवन के आखिरी समय में या मध्य समय में इंसान के अंदर उतनी ऊर्जा नहीं रहती कि वो खराब समय को टैकल कर सके। तो अगर जवानी में खराब समय में इंसान अपने आप को धीरज पूर्वक अपने काम को करता रहे और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल फोकस करके हुए काम करता रहे, तो हो सकता है कि पहले स्टेज में उनको काफी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन मध्य उम्र के बाद, लगभग 35 साल से 40 साल के बाद, इनके जीवन में काफी खुशहाली आएगी और जितने भी स्ट्रगल किए हैं उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। एक और रेखा देखिए दोस्तों, उनकी जो मस्तिष्क रेखा जो है वो सीधी निकल रही है और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा ट्रायंगल बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, दो ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल। तो जब भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब भी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे बड़ा ट्रायंगल बने तो इसमें काफी जोर बढ़ जाता है, भाग्य रेखा में काफी जोर बढ़ जाता है, मस्तिष्क रेखा का भी काफी जोर बढ़ जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सक्सेस मिलेगा ही। मतलब मैं काफी कंफर्म और दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों को मैंने ऐसा प्रिडिक्शन किया है, हाँ पहले स्टेज में उनको स्ट्रगल करना पड़ा है, वो काफी नेगेटिव हो गए थे, तो उन नेगेटिविटी से मैंने उनको समझा के, अच्छे तरह से काउंसलिंग करके उनकी नेगेटिविटी को मैंने निकाल के उनको पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिविटी की ओर ले गया, और आज के डेट में वो काफी सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, ये मेरे सब्सक्राइबर का हैंड है, हैंड पिक है। तो मेरे इस सब्सक्राइबर को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो आपका समय है थोड़ा खराब चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश जारी रखिए और कोशिश और तेज कीजिए और जोरदार कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इनके हाथ में जो ये दो रेखाएं निकली हुई हैं, ये दो रेखाएं जो हैं बिजनेस लाइन की ओर इशारा कर रही हैं। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी करते हैं, ये जॉब से ज्यादा अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। मतलब अपना जो उनका काम है उस काम में वो काफी सक्सेसफुल होते हैं। एक और प्लस पॉइंट है इनके हाथ में, देखिए इनकी उंगलियां जो है हाथ के बीच के एरिया से थोड़ी छोटी छोटी हैं। तो ऐसा इंसान जो होता है ये काफी कर्मठ होता है और हार्डवर्क करने में विश्वास करता है, और ऐसे लोग काफी ऑनेस्ट होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऑनेस्टी काम नहीं आती, यहाँ पर स्मार्टली काम करना पड़ता है। ये दुनिया, ये जगत ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप जरूरत से ज्यादा ऑनेस्ट हैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। ऑनेस्टी अच्छी बात है लेकिन स्मार्टली काम करना पड़ेगा। एक और पॉजिटिव साइन इनके हाथ में देखिए दोस्तों, एक ध्वजा का निर्माण हो रहा है इस जगह पे। तो प्रीवियसली एक हाथ में मैंने बताया था कि इनके हाथ में भी एक ध्वजा बन रहा है। तो ध्वजा मतलब विजयी भव, यशवंत भव, बलवंत भव। ऐसे लोग जो है यश, कीर्ति, बल, साहस इनके अंदर काफी भरा रहता है। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस सब्सक्राइबर की अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छा बिजनेस भी होगा। देखिए बृहस्पति के पर्वत में एक बहुत सुंदर सा क्रॉस बना हुआ है, तो ये दर्शाता है कि इनको जो जॉब मिलने वाली है ये अपने अंडर और 5 लोगों को काम करवा सकते हैं। हाँ प्राइमरी स्टेज में ऐसा हो सकता है कि ये खुद किसी के अंडर काम करें, लेकिन ये काम का जो एक्सपीरियंस है इनके जीवन में बहुत आगे तक इनकी हेल्प करेगा। ये सूर्य की जो उंगली है ये काफी ऊंचाई लिए हुए है, बृहस्पति की उंगली से लगभग आधा इंच से ज्यादा। तो इस वजह से जो है इनके अंदर थोड़े नेगेटिविटी आए जरूर है, लेकिन ये इतने नेगेटिव नहीं है, ये काफी ऑनेस्ट इंसान है। और साथ ही साथ अगर ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी होने की संभावना 50-60% बनती है, बाकी का इनका खुद का मेहनत है। लेकिन यहां पर एक
नेगेटिव पॉइंट ये बना हुआ है कि इनकी जो सूर्य रेखा, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं बनी हुई है सूर्य के पर्वत के नीचे, जो बिल्कुल भी अच्छी मानी नहीं गई है। यहाँ पर बहुत सारा क्रॉस बना हुआ है, तो इतनी सारी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना गया है। तो यहाँ पर ये सूर्य के पर्वत में जो ये रेखाएं बनी है, ये इनको गवर्नमेंट जॉब की ओर अग्रसर तो कराएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकता। तो इस अवस्था में आपको प्राइवेट जॉब में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनकी जो शनि की जो शनि का जो ये पर्वत है, यहाँ पर दो क्रॉस बने हुए हैं जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जरूरत से ज्यादा नेगेटिव बन जा रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी से इनको बाहर आना पड़ेगा। इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए सबसे पहला काम जो है सूर्य नमस्कार करना, दूसरा काम मेडिटेशन करना। तो आप जितने भी पॉजिटिव थॉट्स अपने मन के अंदर बनाएंगे, आपके बाहर की परिस्थितियां उतनी ही पॉजिटिव होती जाएंगी और हाथ की ये रेखाएं अपने आप बदलती जाएंगी। मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, अपने हाथों में, बहुत सारे लोगों के हाथों में ये रेखाओं का परिवर्तन देखा हुआ है। उनके जीवन में जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती गई है, उनके हाथ से नेगेटिव रेखाएं भी अपने आप चली गई हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने कर्म के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपना जो है दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अपना कर्म कीजिए, बिल्कुल फोकस होके कीजिए। अब आते हैं बुध के माउंट में, बुध के पर्वत में। देखिए दोस्तों, एक रेखा यहाँ जो बनी है ये बहुत स्पष्ट है, सीधी है, और दूसरी रेखा और एक ये बनी है बिल्कुल ऊपर तक गई है। तो ये जगह ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है काफी अच्छा बिजनेस कर पाएगा। हालांकि अभी ये जॉब ढूंढने में ज्यादा फोकस्ड है, तो जो भी जॉब ये करेंगे उस जॉब में इनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि ये जॉब छोड़कर बिजनेस की ओर ज्यादा अग्रसर होंगे और उस ओर अपना फोकस करेंगे। क्योंकि जॉब करते वक्त कुछ कुछ चीजें इनको ऐसी समझ में आ जाएंगी कि जॉब से ज्यादा प्रॉफिटेबल काम है बिजनेस, तो ये बिजनेस की ओर फोकस करेंगे। इनके जो मैरिज लाइन है, देखिए यहाँ बहुत छोटा सा लाइन बना हुआ है और काफी ऊपर बना हुआ है, तो ये दर्शाता है कि मैरिज जो है इनकी मध्यम रहने वाली है और साथ ही साथ थोड़ी लेट होने वाली है। तो लेट मैरिज हो लेकिन अच्छी मैरिज हो, मैं इनसे ये सलाह दूंगा कि आप मैरिज करने से पहले, विवाह करने से पहले कुंडली का मिलान अवश्य कराएं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक और रेखा देखिए चंद्र के पर्वत में बन रही है, जो ऊपर की ओर जाकर यहाँ भाग्य रेखा को हल्के से सपोर्ट कर रही है, और साथ एक और रेखा यहाँ पर ये बनी हुई है। तो ये रेखाएं जो है इंसान को थोड़ा भ्रमण करवाती हैं, दूर दूर तक ले जाती हैं। तो ऐसे लोग अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाके अपना जॉब करें तो इनको काफी अच्छा जॉब मिलेगा और लाइफ सेटलमेंट भी मिलेगी। अब आते हैं शुक्र की पर्वत पे। देखिए शुक्र के पर्वत पे छोटी छोटी रेखाएं जो यहाँ बनी है, शुक्र की रेखाएं, ये इनके जीवन में काफी सपोर्ट करेंगी। इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट में इनको दक्ष बनाएंगी और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट के प्रति इनका इंटरेस्ट भी काफी बढ़ाती है। और ऐसे लोग जो है जो काम करते हैं पूरी परफेक्शन के साथ करते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कुछ रेखाएं देखिए ऊपर की ओर जा रही हैं, जीवन रेखा की ओर सपोर्टिव लाइंस हैं। एक रेखा जो है जीवन रेखा को बिल्कुल छूती हुई है। तो इस अवस्था में लगभग 35 साल की उम्र में इनको एक बहुत अच्छा प्रमोशन मिलने वाला है। ये जो रेखाएं हैं ये मंगल की रेखाएं, छोटी रेखाएं जो जीवन रेखा को स्पर्श कर रही हैं। तो यहाँ पर इनके इस जीवन के इस पड़ाव में इनको एक बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छा जॉब में इम्प्रूवमेंट, या कह लीजिए कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाने वाली है। तो दोस्तों, ये था मेरे एक सब्सक्राइबर का हाथ और उसके इन्फॉर्मेशन, उसका एनालिसिस। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।